वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। दोस्तों, लॉकडाउन ये शब्द 2020 में शायद सबने पहली बार सुना होगा और अब इस शब्द को सुनकर मन में डर जैसा बैठ गया है, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है पैसों का ना आना, सैलरी का ना आना, बिक्री ना होना। इसलिए ये शब्द अब इतना डरावना हो गया है कि लॉकडाउन के 3-4 महीने कैसे बीते हम आप मिडिल क्लास और अमीर से अमीर लोग भी बेहतर बता सकते हैं। लॉकडाउन के वक्त हम में से ज़्यादातर की ज़िंदगी में पैसा आना बंद हो गया था, पर खर्चे कम नहीं हुए। हाँ, कुछ खर्चों में कुछ दिन की छूट मिल गई, पर ख़त्म नहीं हुए। कई लोगों की तो सैलरी आधी हो गई थी और कई की तो जॉब ही चली गई थी। इस वक्त हमें एहसास हुआ कि यदि हमारे पास कोई ऐसा इनकम सोर्स होता जो हमारे काम न करने पर भी हमें इनकम देता, तो आज कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। दोस्तों सोचिए, अगर सिर्फ 3-4 महीने के लॉकडाउन ने हमारी हालत ख़राब कर दी, तो आने वाले 15-20 साल के तय लॉकडाउन में हमारा क्या हाल होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ रिटायरमेंट के बाद के जीवन की। रिटायरमेंट के बाद हमारी इनकम आना बंद हो जाएगी, पर दोस्तों कुछ ज़रूरी खर्चे जो होते रहेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों, हमारे जीवित रहने तक हमारे जो बहुत ज़रूरी खर्चे होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे हमारी जिसे हम बेसिक नीड में गिनते हैं। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी लगभग 15 से 20 साल हम जीवित रहते हैं, पर शरीर में वो ताकत नहीं रहती है कि हम काम कर सकें। तो क्या आप उस समय दूसरों पर निर्भर रहेंगे? क्या आप भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना पसंद करेंगे? तो क्या तैयारी की है आपने अपनी रिटायरमेंट की? मैं जानती हूँ आपके खर्चे हैं, बचत मुश्किल से होती है, पर करनी तो पड़ेगी, क्योंकि हम बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते और ना किसी पर डिपेंड रहना चाहते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? चलिए अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको एक साल में केवल 1 लाख रुपया जमा करना है 15 साल तक, और जिंदगी भर आपको एक साल में 1 लाख रुपये मिलता रहेगा, और उसके बाद भी परिवार को बाकी पैसा आपके बाद मिलेगा। सो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।